काले यार। सर न्यारी बहुत ही अच्छी, हमने बड़ा एंजॉय किया माशाल्लाह, बहुत अच्छी, बड़ी डिलीशियस, बहुत अच्छी, इनका नंबर वन है। भाई इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे इतना ज़बरदस्त किस्म का सीन लगा हुआ है नहारी का, मतलब कभी उसके ऊपर मक्खन का तड़का लग रहा है तो कभी उसके ऊपर देसी घी का तड़का लग रहा है, बहुत ही आला यार, बहुत ही ज़बरदस्त। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल्ला जान पठान। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं हैदराबाद की वन ऑफ द मोस्ट टेस्टी और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस होने वाली स्पेशल नहारी। यार नहारी तो हैदराबाद में बहुत जगहों में मिलती है लेकिन वो अजीब सी हो रही होती है, उसमें मतलब जब आटा डालते हैं ना नहारी में तो वो अजीब सी गाढ़ी गाढ़ी जेली टाइप थल थल हो रही होती है, लेकिन ये नहीं पता कि अच्छी नहारी कहाँ मिलती है। पहले मैं नहारी का बहुत बड़ा फ़ैन था हैदराबाद में, लेकिन जब से महंगाई बढ़ी है नहारी का टेस्ट हैदराबाद वालों ने बिल्कुल गिरा दिया। लेकिन आज जिस स्पॉट पर मैं खड़ा हुआ हूँ ना, यहाँ पर मिलती है हैदराबाद की वन ऑफ द मोस्ट टेस्टी और स्पेशल नहारी। यही चीज़ चेक करने में यहाँ पर आया हूँ कि इनकी नहारी दरअसल है कैसी, कहीं ऐसा तो नहीं बाकी जगहों की तरह ये भी जो है अजीब सी नहारी सेल कर रहे हैं, तो वही चीज़ चेक करेंगे। वैसे इनकी नहारी है तो बड़ी मशहूर, बड़ी टेस्टी है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूँ खाने आ रहे हैं और खा खा के जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। यहाँ पे जो है हम लोग इनकी नहारी ट्राई करेंगे, स्पेशल वाली या नल्ली मगज जो भी अच्छी लगेगी वो ट्राई करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी चलते हैं, तमाम हैवी सीन्स आपके साथ शेयर करते हैं, तो फिर चलते हैं। हैदराबाद नियारी हाउस, ये सद्दीक प्लाजा के नीचे हामिद बिरयानी वाले से आगे है और हमारे पास जो है स्पेशल नियारी मिलती है A1 किस्म की, जिसमें नल्ली मगज होता, तड़का होता, और अगर आप चाहें दूसरा स्पेशल लेने के लिए तो आपको देसी तड़के में मिलेगी A1 जो हैदराबाद में, पूरे हैदराबाद में नहीं है वो नियारी। आप खा के देखें आएँ और आपको अच्छी लगेगी, हर किस्म की नियारी हमारे पास मिलती है। तो भाई हैदराबाद नहारी हाउस की स्पेशल नहारी मेरे सामने आ चुकी है और बाय लुक्स ये इतनी ज़बरदस्त लग रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके अंदर मतलब एक साइड पे जो है नल्ली है, एक साइड पे मगज़ है और सेंटर में जो है मीट का इसमें पीस पड़ा हुआ है, बूटी पड़ी है, बड़ी ज़बरदस्त इनकी, और इसके ऊपर जो ऑयल की लेयर है ना यार वो बहुत ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड कर रही है। तो अब ट्राई करते हैं कि इसकी टेस्ट कैसा है। मैं आपको स्टार्टिंग में भी ये बात बता चुका हूँ, मतलब हैदराबाद में जो है पहले नहारी का मैं फ़ैन हो चुका था, लेकिन जब से महंगाई बढ़ी है नहारी का टेस्ट कहीं भी अच्छा नहीं मिल रहा है। तो अब चेक यहाँ पर ये करना है कि इनकी नहारी का टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैलूस काफ़ी ही ज़बरदस्त लग रही है इनकी नहारी में शक्ल से। एक हैवी सी बाइट बनाते हैं जो कि फूड हंटर पीके की पहचान है, क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत आला यार, मतलब टेस्ट है जब यहाँ पे लोग कंटिन्यूसली खा रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में अंकल से मेरी बात हो रही थी तो मुझे बता रहे थे कि मैंने जब से नहारी की ये शॉप खुली है मैंने हैदराबाद में सब जगह नहारी खाना छोड़ दिए। अब जो है मगज़ वाली हम बाइट ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह, आउटस्टैंडिंग यार, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब प्राइस के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त फील प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे लोग। जब मैं इतने दूर से आता हूँ जब नहारी खाने के लिए, और इनकी नहारी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, बल्कि मैं और भी लोगों के लिए भी ले आता हूँ, लोग इसको बड़े पसंद करते हैं माशाल्लाह, इनका गोश्त भी अच्छा है और इनका टेस्ट भी अच्छा है माशाल्लाह। ये जो सलाद देते हैं इसमें साथ में अदरक वगैरह हरी मिर्च ये भी देते हैं ना, और रोटी भी गरम गरम देते हैं, मेरे दांत का मसला होता है तो ये रोटी भी गरम गरम मेरे को देते हैं ना माशाल्लाह। इनकी स्पेशल नहारी का यार मैं फ़ैन हो गया हूँ,
मैं ये रिकमेंड करूँगा। वैसे मेरी चॉइस बताऊँ आपको, मैं इसके ऊपर ना अदरक डालता हूँ, ना लेमन डालता हूँ, ना जो हरा मसाला होता है वो डालता हूँ, मुझे अच्छा ही लगता है। मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर कि ओरिजिनल टेस्ट को इन्जॉय करा करो। इसका ओरिजिनल टेस्ट इतना ज़बरदस्त है और रोटी बड़ी ज़बरदस्त है, यानी कि मतलब क्रंची क्रंची रोटी हो रही है, उसके साथ जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना बहुत ही आला, मतलब मगज़ में और नली में मैं इतना गुम हो गया था कि मैं इनकी जो बोटी है उसको तो मैं भूल ही गया था। अब उसको भी ट्राई करते हैं। बहुत आउटस्टैंडिंग टेस्ट है यार। हमारे पास जो स्पेशल नहारी होती है उसकी क्वांटिटी माशाल्लाह से इतनी होती है कि बस 3 से 4 बंदे आराम से खा सकते हैं। स्पेशल की भी यही होती है और देसी घी में भी यही होती है। स्पेशल में नली होती है, मगज़ होता है, देसी घी का तड़का होता है जो है 800 रुपये की उसकी प्राइस है। 4 बंदे माशाल्लाह सुकून से खाते हैं, बेहतरीन किस्म की होती है। हाँ तो भाई हैदराबाद नहारी हाउस की नहारी मैंने ट्राई कर ली और बिलीव मी जो चीज़ मैं यहाँ सोच के आया था ना, जो एक्सपेक्टेशंस मेरी थी बिल्कुल वैसी ही मुझे यहाँ पे नहारी मिली, मतलब मज़ा आ गया। इनकी स्पेशल नहारी मैंने ट्राई करी, उसके अंदर जो है मगज था, नली थी और बाय लुक्स इतनी वो ज़बरदस्त लग रही थी ना, बाय टेस्ट भी वो उतनी ही ज़बरदस्त थी, मतलब आउटस्टैंडिंग। हैदराबाद की नंबर 1 बेस्ट और टेस्टी नहारी है मेरी नज़र में ये। अब आपको अगर इससे कोई अच्छी नहारी पता तो कमेंट्स में बताएं, और अगर नहीं पता तो ये वाली नहारी ट्राई करते हैं, और जब ट्राई करने आ जाए तो कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको इनकी नहारी कैसी लगी है। तो अगर YouTube पे देख रहे हैं भाई को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी तरह की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँच सके, और अगर Facebook पेज पे भाई को देख रहे हैं तो फॉलो करके दुआ में याद रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे एक और नई ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग स्ट्रीट फूड की वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बंदे जो जाके होटल वाले रेस्टोरेंट वाले बहुत ही इखलाक की बहुत लिहाजी बंदे, और यहाँ की जो हमने इन्जॉय किया नियारी खा के, ऐसी नियारी हैदराबाद में कहीं नहीं मिलेगी।